हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। आज हम लोग 8th क्लास के विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। इस पाठ के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम बारी बारी से देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे उसको आप अपने कॉपी में भी लिख लेंगे, तब उसके बाद फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। इस पाठ के अनुसार ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ दो तरह के होते हैं। पहला है दाह्य पदार्थ और दूसरा है अदाह्य पदार्थ। अब देखिए, दाह्य पदार्थ क्या है? तो ऐसा पदार्थ जो जल सकता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ। इसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, जैसे कागज, तेल, पेट्रोल, लकड़ी, पुआल इत्यादि, ये सभी को आसानी से आप जला सकते हैं, तो ये क्या हो गए? दाह्य पदार्थ। अच्छा, ऐसे पदार्थ जिन्हें आप नहीं जला सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अदाह्य पदार्थ, जो नहीं जल सकता है। जैसे पत्थर, पत्थर को आप जला पाएंगे? नहीं। पानी, मिट्टी इत्यादि, ये सभी पदार्थ जो हैं वो आप इसे नहीं जला सकते हैं। ठीक, तो दाह्य और अदाह्य पदार्थ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। ठीक, अब सोचिए, आपसे कोई कहे कि किसी वस्तु को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो किसी वस्तु को जलाने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा माचिस, क्योंकि बिना माचिस के आप किसी चीज़ को नहीं जला सकते हैं। अच्छा, फिर अगर उसके बाद और पूछा जाए कि और किस चीज़ से आप जला सकते हैं, तो आप लाइटर से जला सकते हैं। किचन में जो गैस होता है वो देखते हो, ये लाइटर से जल जाता है आसानी से। ठीक, अच्छा, इसके अलावा और ऐसा क्या चीज़ है जिससे आप किसी चीज़ को जला सकते हैं? सोचिए, आगे चलते हैं। सोचिए, देखिए, पत्थरों के टुकड़े। ठीक, आप दो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े को जोर से एक दूसरे से टकराएंगे तो उसमें से चिंगारी निकलती है, तो उससे भी आप जला सकते हैं। पहले के ज़माने में जब माचिस नहीं था तो लोग ऐसे ही पत्थरों को टकरा कर आग को जलाते थे। अच्छा, और चौथा उपाय आपसे पूछे कोई कि और बताइए कैसे आप किसी वस्तु को जला सकते हैं, तो देखिए ये चित्र देखिए, ये आपने भी ऐसे किया होगा। ये हैंड लेंस जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के सामने रख के ये देखिए कैसे कागज़ को जला दिया जाता है ना। तो इस तरह से भी आप किसी वस्तु को जला सकते हैं आसानी से। ठीक, तो कितने सारे ऑप्शंस हो गए आपके पास? चार, एक माचिस, दूसरा लाइटर, तीसरा पत्थर और चौथा हैंड लेंस। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है यहाँ देखिए ज्वलन ताप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इसे आप अपने कॉपी में भी लिख लेंगे समझ के, एक नोट के रूप में। तो इस ज्वलन ताप को समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण देखेंगे। अब सोचिए, अगर आपको एक माचिस दे दिया जाए और उससे आपको बोला जाए कि एक कागज़ को जलाने के लिए, तो आप उस माचिस से उस कागज़ को आसानी से जला लेंगे। ठीक, फिर सोचिए, अगर वही माचिस आपको फिर से दिया जाए और अब एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दिया जाए आपको जलाने के लिए, तो क्या उस माचिस से आप उस लकड़ी के मोटे लकड़ी के टुकड़े को आप जला पाएंगे? नहीं जला पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस मोटे लकड़ी के टुकड़े को ज़्यादा तापमान की आवश्यकता है। ठीक, और वो जो कागज़ को आप जला देते हैं माचिस से, उसको कम तापमान का आवश्यकता है। तो किसी वस्तु को जलने के लिए एक निश्चित ताप का आवश्यकता होता है। ठीक, जब तक उस ताप पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो चीज़ नहीं जल सकता है। अब देखिए, आप एक कागज़ के टुकड़े को आसानी से माचिस से जला लेते हैं, उससे भी आसानी से देखिए एक लाइटर से हमारा स्टोव जल जाता है। ठीक, लाइटर से एक चिंगारी मात्र निकलता है और उससे पूरा गैस जल जाता है। लेकिन एक लकड़ी के मोटे टुकड़े को जलाने के लिए ज़्यादा आग का आवश्यकता पड़ता है, ज़्यादा ताप का आवश्यकता पड़ता है। ठीक, तो यही है ज्वलन ताप,
वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है वह उस पदार्थ का वह क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। इसे आप अपने कॉपी में भी लिख लें। देखिए हर जो जलने वाला पदार्थ होता है उसका ज्वलन ताप अलग अलग होता है। अब जैसे देखिए पेट्रोल, पेट्रोल आसानी से आग पकड़ लेता है, एकदम आसानी से, तो उसका ज्वलन ताप क्या हुआ, एकदम कम हुआ। कोई लकड़ी का टुकड़ा हुआ वो, उसको थोड़ा ज़्यादा ताप का हो सकता है, तो उसका ज्वलन ताप क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे चलिए, गर्मियों के मौसम में आप देखते होइएगा, समाचार में सुनते होइएगा कि जंगलों में आग लग जाता है, तो कैसे लग जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिसे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं, ठीक। अब देखिए सूखी घास जो होता है वो, उसका ज्वलन ताप एकदम कम होता है, वो आसानी से आग पकड़ लेता है, जिस कारण पूरा जंगल में ही उस आग के लपेट में आ जाता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सफ़ेद फॉस्फोरस जो होता है, आप लोग नाम सुने होइएगा, सफ़ेद फॉस्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, इसीलिए उसे हाथ से नहीं छूते, और कहाँ रखा जाता है, पानी के अंदर रखा जाता है, ठीक। तो ये एक छोटा सा एक जीके हुआ आपके लिए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कमरे के तापमान पर ही जल जाता है, तो वह क्या हुआ, सफ़ेद फॉस्फोरस, ठीक। जो आप माचिस के तीलियों में देखते होइएगा वो लाल फॉस्फोरस होता है, वो रगड़ने पर जलता है, लेकिन ये जो सफ़ेद फॉस्फोरस है ये बिना रगड़े कमरे के ताप पर ही आसानी से ये जल उठता है, ठीक। तो अब बताइए ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका ज्वलन ताप सबसे कम है, सफ़ेद फॉस्फोरस, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, यहाँ देखिए जलने के लिए और क्या चाहिए, ठीक, जलने के लिए और क्या चाहिए। तो आप तो पीछे पढ़ लिए हैं, जलने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए, एक ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, जैसे लकड़ी, कागज, तेल, कुछ भी, ठीक। अच्छा, और दूसरा चीज़ क्या चाहिए, उस चीज़ को जलाने के लिए ज्वलन ताप चाहिए, ठीक। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए दो चीज़ तो आप पढ़ चुके हैं, पहला ज्वलनशील पदार्थ और दूसरा ज्वलन ताप। तीसरा ऐसा क्या है जिसके बिना आप किसी वस्तु को नहीं जला सकते, सोचिए। चलिए अब इसको हम देखते हैं, इस चित्र को देखिए आप गौर से, इस चित्र को आप गौर से देखिए, इस चित्र में क्या किया जा रहा है, देखिए एक छोटा सा मोमबत्ती है उसको जलाया गया है, ठीक, और वो मोमबत्ती जल रही है। कोई बच्चा इसको क्या किया है, एक शीशा का ग्लास लेके इसको ऊपर से ढकने का प्रयास कर रहा है। सोचिए अगर आप मोमबत्ती जला रहे हैं, छोटा सा मोमबत्ती, और उसको आप शीशे ग्लास से ढक दीजिएगा पूरा, तो मोमबत्ती क्या होगा, जलेगा नहीं, वो मोमबत्ती बुझ जाएगा। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ, क्यों बुझ गया, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जल सकता है, ठीक। तो ये जो टॉपिक है, जलने के लिए और क्या चाहिए, तो जलने के लिए जो तीसरा चीज़ है वह क्या है, ऑक्सीजन, ठीक। ये इस प्रक्रिया से आपको समझ में आ गया होगा कि जलने के लिए ऑक्सीजन भी आवश्यक है, ठीक। चलिए ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ देखिए अगला जो टॉपिक है ये क्रियाकलाप है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्रियाकलाप है, इसको गौर से देखिए। कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना, ठीक। अब जैसा कि चित्र में देखिए, आपको, आप सोचिए कि अगर आप एक कागज़ का कटोरी बनाइएगा और उसमें पानी डालकर नीचे से गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, सोचिए, क्या कागज़ जल जाएगा, जी नहीं, कागज़ नहीं जलेगा बल्कि पानी गर्म होने लगेगा, है ना, इंटरेस्टिंग बात। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो
यहाँ देखिए लिखा है, क्या कागज़ की कटोरी जलने लगेगी? तो कागज़ की कटोरी नहीं जलती है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि कागज़ की जो कटोरी है, ठीक, कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का संचरण कहाँ होता है? जल में होता है, और कागज़ जलने से बच जाता है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है वो उस पे आते हैं। तो आपने पीछे पढ़ लिया कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक। वो तीनों चीज़ क्या है, यहाँ पे एक बार फिर से दे दिया है। पहला है ज्वलनशील पदार्थ का होना, जैसे लकड़ी, कागज, पुआल, कुछ भी। दूसरा है ज्वलन ताप तक पहुँचने का उपाय, ठीक। अब वो उस ज्वलनशील पदार्थ पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना ज्वलन ताप चाहिए, थोड़ा चाहिए या ज़्यादा चाहिए, ठीक। और तीसरा जो चीज़ है वो है हवा। बिना हवा के किसी चीज़ को आप नहीं जला सकते हैं। वो पीछे आप क्रियाकलाप में देख चुके हैं, मोमबत्ती को ग्लास से ढकने पे क्या होता है, मोमबत्ती बुझ जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए ये जो कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तीन चीज़ों की, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और हवा, ऑक्सीजन, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, ये देखिए पीला वाला बॉक्स, माचिस की कहानी, ठीक। अब आप सोचिए कि जब माचिस की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले लोग आग कैसे जलाया करते थे और कैसे खाना पकाया करते थे? सोचने वाली बात है। तो जब माचिस की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले लोग कैसे आग जलाते थे? पत्थरों को आपस में रगड़ के। सोचिए कितना मुश्किल काम रहता होगा, पत्थर को रोज़ रोज़ टकरा कर आग बनाना, और आग बनाना फिर उस पर अपना भोजन तैयार करना, कितना मुश्किल भरा समय रहा होगा। फिर धीरे धीरे माचिस का क्या हुआ, खोज हुआ। तो माचिस का बनाने का जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले 1660 में शुरू हुआ। वो किसी से बना था? सफ़ेद फॉस्फोरस से। तो आप इसे पढ़ चुके हैं कि सफ़ेद फॉस्फोरस जो है वो काफ़ी कम ज्वलन ताप वाला पदार्थ है, जो आसानी से जल जाता है, बिना रगड़े, बिना किसी चीज़ के, कमरे के ताप पर ही ये जल जाता है। तो ये तो बहुत ख़तरनाक था, इसको घर में रखना सही नहीं था, तो ये नहीं चला। फिर आगे जाकर 1845 में लाल फास्फोरस का प्रयोग करके माचिस को बनाया गया, ठीक। तो लाल फास्फोरस का जब प्रयोग किया गया, तो ये जो था, ये कमरे के ताप पर आसानी से आग नहीं पकड़ता था, ठीक। इसको रगड़ने पर ही इसमें आग पकड़ता था। आगे आइए। ठीक, देखिए घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं, आपके घर में जो माचिस की डिब्बी होती है, उसमें तीलियों पर जो लगा होता है वो रसायन, वो क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट। और डिब्बी पर जो लाल जो होता है वो क्या होता है? लाल फास्फोरस और सल्फर। ये दोनों जब ये रगड़ाता है तो क्या होता है? माचिस की तीलियों में आग पकड़ लेता है, ठीक। अब देखिए माचिस का खोज किसने किया? तो लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस का खोज किसने किया था? कार्ल लुनेस्टान ने, ठीक। कब किया था? 1855 में। इसको याद कर लीजिएगा, किसने खोज किया था? कार्ल लुनेस्टान, और कब? तो 1855 में, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आइए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए अगला जो टॉपिक है, मोमबत्ती का इतिहास। मोमबत्ती तो आप सभी को जलाए हुईगा, आप सभी के घरों में होगा मोमबत्ती, ठीक। तो ये जो मोमबत्ती है वो किसी से बनता है? मोम से, ठीक। तो वो मोम है क्या? सबसे पहले देखिए वो मोम है क्या। तो मोम जो है एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है, ठीक। यह किसी से मिलकर बना है? यह एक हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है, ठीक। मोम किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, ठीक है। अच्छा, ये जो मोम है, ये आप मधुमक्खी के छत्ता देखते होइएगा, उस मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाला जाता है, ठीक। अच्छा, ये जो मोमबत्ती होता है, इसमें क्या होता है? इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर से मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम क्या पड़ा? मोमबत्ती, ठीक।
अच्छा, जब हम उस मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है? जब हम उस मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम जो है पिघलता है, ठीक, नीचे वाला मोम क्या होता है, पिघलता है, और वो धागा के सहायता से वो मोम धीरे धीरे ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर क्या होता है, गर्म होकर जलता है, ठीक। अच्छा, जब वो गर्म होता है तो वो किस रूप में बदलता है, हाइड्रोजन में और कार्बन में, ठीक है। उसके बाद तब वो जलता है तो वो हाइड्रोजन जो है वह सुनहली ज्वाला के साथ जलकर क्या बनता है, जल वाष्प बनता है, और यह क्या करता है, कार्बन को भी जलाता है, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलने का प्रक्रिया आप समझ गए होइएगा। चलिए, इस तरह मोमबत्ती जब जलता है तो यह काफ़ी मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। क्या क्या देता है हमें, प्रकाश और ऊष्मा, ठीक है। चलिए, अब हम अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। इधर तो क्रियाकलाप ही हैं, कोई खास नहीं इधर। हाँ, देखिए, क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? सोचने वाली बात है। जब हम आग को छूने जाते हैं तो क्या होता है, हम जल्दी से अपना हाथ वापस कर लेते हैं, क्योंकि आग जो होता है वो बहुत गर्म होता है। अब ये गर्म क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। तो इसका आंसर देखिए, जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं, जब हम किसी भी वस्तु को जलाते हैं, तो उसको जलाने के बाद क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है, ठीक है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जलना जो है वह क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक। इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है, और उस ऊर्जा के कारण उसका जो ऊष्मीय मान है वह बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कोई भी जो किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो वह क्या हो जाता है, गर्म होता है, समझ गए। चलिए, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो देखिए, आग पर नियंत्रण कैसे करें। आप अक्सर देखते होइएगा, कहीं कहीं पे अचानक आग लग जाता है, किसी बिल्डिंग में, किसी झुग्गी बस्ती में अचानक क्या होता है, आग लग जाता है, और वो आग फैलते चला जाता है, और बहुत बहुत काफ़ी मात्रा में वो हमें जान और माल का क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाता है, ठीक। तो उस आग पर हम कैसे नियंत्रण करें, ठीक। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि हम क्या करेंगे, पानी फेंकेंगे। अक्सर ऐसा ही होता है, अग्निशमन वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टैंकर में पानी भर के लाते हैं, और जहाँ आग लगी होती है वो क्या करते हैं, वो पानी के टैंकर से पाइप के द्वारा उस आग को बुझाने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि जल जो है वो किसी आग को कैसे बुझाता है, जल किसी आग को कैसे ठंडा करता है। तो जल ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है, ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है, ठीक। कैसे बंद हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है, ठीक, जहाँ मान लेते हैं आग लगा हुआ है उस पर हम जल फेंकेंगे तो जल वाष्प बनेगा ही। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति क्या कर देती है, बंद कर देती है, और इससे आग मुझ जाती है। आपको पता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए हवा की आवश्यकता है, और अगर बाहर से हवा उसे नहीं मिलेगी तो वह क्या हो जाएगा, अपने आप मुझ जाएगा। तो इस तरह पानी जो है, जल आग को क्या करता है, शांत कर देता है, ठीक। अच्छा, एक बात और है, आप हर किसी जलती हुई चीज़ को आप पानी से नहीं बुझा सकते हैं, इसे खतरा भी है, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जब कोई वस्तु जल रहा हो तो हम उसे जलने से कैसे रोक सकते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, दाह पदार्थ को हटा देना, ठीक। जो वस्तु जल रहा है उसको अगर हम हटा दें तो भी आग मुझ सकता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना। आपको पता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो अगर हम किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुँचने दें तो भी आग जो है मुझ जाएगा, ठीक। उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। अगर हम किसी वस्तु का ज्वलन ताप बढ़ा देंगे तो उसमें आग आसानी से लगेगा ही नहीं, ठीक। जैसे पानी डाल देंगे तो जाहिर सी बात है उसका ज्वलन ताप बढ़ जाएगा। तो इन तरीकों से हम क्या करते हैं, आग पे काबू पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अग्निशामक, ठीक है। ये देखिए, ये सिलेंडर,
आप इसे अक्सर किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में या अपने स्कूल के भवन में देखते होइएगा ऐसा सिलेंडर। इसी का नाम है अग्निशामक, यह आग बुझाने का काम आता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह उच्च दाब पर भरा होता है इसमें, ठीक है। और जब कहीं पे आग लगता है तो हम इस गैस का प्रयोग करते हैं, इसका छिड़काव करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा का संपर्क, आग का जो हवा से संपर्क होता है उसको क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक है। आपको पता है किसी चीज़ को जलने के लिए कौन सी गैस का आवश्यकता पड़ता है, तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक। और अगर किसी जलती हुई चीज़ को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह चीज़ किसी भी सूरत पे नहीं जलेगा, ठीक है। और हम जब किसी जलती हुई वस्तु पर इस कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कर देते हैं तो उसको ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है, जिस कारण आग क्या होता है, मुझ जाता है, ठीक। सरकारी आदेशानुसार कार्यालय, संस्थान या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं। हाँ, आपको हम पीछे बताए थे कि हर जगह आप पानी से आग नहीं बुझा सकते हैं, ठीक है। तो बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगा हो, बिजली से आग लगा हो, तो वहाँ गलती से ही पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब और दूसरा कहाँ हमें पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो तेल में अगर आग लगा हो तो भी हमें पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा क्यों, सोचिए। क्योंकि पानी जो है वो तेल से क्या होता है, भारी होता है, ठीक। और पानी जो तेल से जो होता है वो तेल से भारी होने के कारण कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। और पानी नीचे चला जाता है और तेल फिर वापस नीचे से ऊपर जाता है और तेल में आग पकड़ लेता है, तो इस कारण पानी जो है वो तेल की आग को नहीं बुझा पाता है, ठीक है, समझ गए। इसलिए जब भी तेल से आग लगी हो तो हमें पानी नहीं डालना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो ये है अग्निकांड। जब बहुत बड़ा कोई आग का घटना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अग्निकांड, ठीक है। जैसे कोयले की खानों में आग लग जाना, बड़े बड़े कोयले खान होते हैं और उसमें जब आग लगते हैं तो वो जल्दी से मुझते नहीं है। जंगल में आग लग जाना है ना, ये इसे काफ़ी सारे वनस्पति और जीव जंतुओं का हानि होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को क्या कहते हैं, अग्निकांड कहते हैं। विस्फोट हो जाना कहीं पर, ये सब अग्निकांड के उदाहरण हैं। अब आगे चलते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला जो होता है, मोमबत्ती जब जलता है, ठीक है, तो उसका ज्वाला जो ऊपर में होता है उसका कितना क्षेत्र होता है, तीन क्षेत्र होते हैं, ठीक है। पहला है बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग, ठीक है। अब हम तीनों भाग के बारे में देखते हैं गौर से कि तीनों भाग में क्या क्या होता है। तो आप देखते होइएगा जो बाहरी भाग होता है वो नीला होता है, नीले कलर का होता है, ठीक है, और अदीप्त होता है, ठीक है। यह नीला इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो दहन का जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होता है, पूर्ण दहन होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है बाहर में, इसलिए बाहर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, नीला होता है। अब देखिए मध्य वाला जो भाग है वो पीला और चमकदार होता है, चमकीला होता है, ठीक है। और यह दीप्त क्षेत्र है। यह पीला और चमकदार इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कार्बन के कुछ कण होते हैं और ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और क्या होते हैं, चमकने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पूर्ण दहन का स्थल नहीं है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलता है। अब तीसरा जो भाग है वो आंतरिक भाग है, ठीक। आंतरिक भाग जो होता है वह बत्ती के एकदम नज़दीक होता है, ठीक है। और यह काला रंग का होता है। यह काला रंग का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के कुछ कण बचे रहते हैं, पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपका दहन और ज्वाला। अच्छा, अब ये देखिए, ये कुछ शब्द है, हिंदी शब्द जिसका इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको टेंथ के बाद अगर साइंस में ज़्यादा रुचि है और आप टेंथ के बाद साइंस लेकर आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ये सलाह है आपको कि आप
जो भी हिंदी टर्म है, वैज्ञानिक टर्म हिंदी के, उसका इंग्लिश टर्म जरूर याद रखें, नहीं तो आपको बाद में काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके आगे, अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक, तो चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। हाँ, तो हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप क्या करें, आप इस बुक को तो पूरा पढ़ चुके हैं, आप क्या करें फिर से इस पूरे बुक को पढ़ें, इस चैप्टर को पढ़ें फिर से, और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप खुद से देने का प्रयास करें। ठीक, मेरा सलाह यही रहेगा कि आप इसका आंसर खुद से बनाएं। ठीक, ऐसे हेल्प के लिए तो मैं आपको हेल्प करूँगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस दोनों क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लें, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ये रहा। हाँ, तो अब आगे इन तीनों प्रश्न को आप फिर से लिख लें, 3, 4 और 5, अपने कॉपी में इन तीनों प्रश्न को लिख लें। चलिए, इन तीनों प्रश्न का आंसर ये रहा, आप स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे। चलिए, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आप लिख लें अपने कॉपी में, इसका आंसर ये रहा। चलिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लें अपने कॉपी में, इसका आंसर ये रहा। अब देखिए, आगे जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे क्या कहते हैं, याद कीजिए, ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक, अच्छा, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो बताए थे आपको, सफ़ेद फॉस्फोरस। ठीक, अच्छा, अब आगे चलिए, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो किस चीज़ से मिलकर बना है, आप पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। ठीक, आगे आइए, ईंधन के जलने पर क्या क्या प्राप्त होता है, तो सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगला है, पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, अच्छा, पेट्रोल को जलाइएगा और किरोसिन तेल को जलाइएगा, तो सबसे पहले सबसे जल्दी से किस में आग लगेगा, पेट्रोल में लगेगा। ठीक है, तो पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन का ज्वलन ताप से क्या हुआ, कम हुआ। ठीक, अब आगे आइए, सही या गलत का निशान पर आपको टिक करना है, तो देखिए हम टिक कर चुके हैं, कागज़ के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है, जी नहीं, नहीं जलता है, आप क्रियाकलाप में पीछे पड़ चुके हैं, तो ये गलत है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। हाँ, ये सही बात है, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना एकदम अनिवार्य है, बिना ऑक्सीजन के आप किसी चीज़ को नहीं जला सकते हैं। आगे, लाल फास्फोरस जो है वो कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, नहीं, ये गलत है, आप बताइए कौन ऐसा पदार्थ है जो कमरे के ताप पर पकड़ लेता है आग, हाँ, सफ़ेद फास्फोरस। अब आगे चलिए, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी जो है वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ये सही बात है। ठीक है, इसको हम पीछे आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उस गैस का पता लगाने के लिए हम इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, हम क्या करते हैं, इस गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और चूना का पानी अगर दूधिया हो गया, मतलब दूधिया रंग का हो गया, तो हम समझ जाते हैं कि वह गैस कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें, ये बाद में भी आपका काम आएगा। अब आगे देखिए, अम्ल और सोडियम का बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये सही है। ठीक है, वो हम पीछे हम ज़्यादा डिटेल नहीं किए हैं, वो अग्निशामक यंत्र में जो है वो क्या रहता है, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, उसको जैसे ही हम खोलते हैं तो क्या करते हैं, क्या होता है, ये दोनों मिल जाता है और क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जो हमारे आग बुझाने का काम आता है। ठीक, ये सही है।
अब आगे चलिए, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। गलत, तेल से अगर आग लगा हो और आप उस पर जल डालेंगे तो जल भारी होने के कारण कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा और आपका आग मुझेगा नहीं, जलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है क्या है, गलत है। ठीक है, थैंक यू।